प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बेटा, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP पर। क्या अपडेट है? आप सभी को पता है कि इस वर्ष सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ और उसके अलावा पेपर पैटर्न भी कुछ बदले गए हैं। तो उन सभी विषयों के पेपर इस वर्ष कैसे आएंगे, इसके लिए UPMSP ने क्या किया है कि कुछ विषयों के मॉडल पेपर अपडेट कर दिए हैं वेबसाइट पर। अब वो मॉडल पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे और उन मॉडल पेपर में आपको कैसे सॉल्व करना है, उनका सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने आया हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा फोकस करिएगा कैमरामैन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा। यहाँ पे आप राइट साइड देखेंगे, चौथे नंबर पे मॉडल पेपर दिए गए हैं। जैसे मॉडल पेपर पर क्लिक करेंगे तो 10वीं और 12वीं के, ये देखिए 10वीं के दिए गए हैं कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर। अब मुझे मान लीजिए 10वीं के हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है, तो हिंदी के पेपर के सामने डाउनलोड बटन आ रहा है, मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये मेरे सामने खुलकर आ जाएगा कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का पेपर। इसी तरह से मान लीजिए मुझे 10वीं के हिंदी के अलावा, अगर मान लीजिए मुझे 10वीं के इंग्लिश का पेपर डाउनलोड करना है, तो 10वीं विषय के इंग्लिश का पेपर भी मुझे मिल जाएगा यहाँ से। और ये इंग्लिश का पेपर है, मैंने इंग्लिश का पेपर भी डाउनलोड कर लिया। ये देखिए आप सभी के सामने ये कक्षा 10वीं के 23-24 का इंग्लिश का पेपर है। 12वीं के पेपर अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो 12वीं के पेपर इधर दिए गए हैं और कुछ विषयों के पेपर नहीं आए। जैसे 12वीं में जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ और ये पेपर मेरे गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ विषयों के पेपर दिए गए हैं। अभी दो विषय के पेपर आपके अपडेट नहीं हुए हैं वेबसाइट पर। उसमें कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर नहीं अपडेट हुआ है, पिछले वर्ष का पेपर ही पड़ा हुआ है। और कक्षा 12वीं में अगर बात करूं तो 12वीं में भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर अपडेट नहीं हुआ है। और सबसे पहले इन सभी पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर हाई स्कूल की टीम और ट्वेल्थ की टीम पूरा सॉल्व कराएगी। एक एक क्वेश्चन का हल आपको मिलेगा। और इन पेपर का अगर आप सटीक सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप ये पेपर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में भी हमारा चैनल आ चुका है, वहाँ से भी आपको ये पेपर का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो अभी जुड़े और आप सभी मेहनत करके पढ़ाई करें। कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपकी पढ़ाई में, मतलब आपकी परीक्षा में, और इन बचे हुए दिनों में एक बेहतरीन तैयारी करनी है। और बच्चों एक बात ध्यान देना कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों का पेपर अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है और मुझे तो लग रहा है कि यूपी बोर्ड शायद करे भी ना, क्योंकि यूपी बोर्ड ने आज तक जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों का सिलेबस नहीं दिया है तो पेपर क्या देंगे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ये हिंदी मीडियम का जो पेपर आया है इसी पेपर के आधार पर हम लोग अपने हिसाब से एक सैंपल पेपर, अपने अनुभव के आधार पर एक सैंपल पेपर बनाकर बच्चों को सॉल्व कराएंगे जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो आप सभी को घबराना नहीं है, जब हम लोग हैं, हमारी टीम है, तो आप यूपी बोर्ड का हर बच्चा हमारा बच्चा है, उस बच्चे को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप सभी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लासेस में।